नमस्कार, मैं माधुरी। मैं आप लोगों के लिए आज दही वाली कढ़ी आप लोग के लेकर के आई हूँ। ये देखिए इसमें क्या क्या पड़ता है। और मैं आप लोग को इसमें एक सीक्रेट चीज़ बताऊंगी जो लास्ट तक आप देखिएगा, जिससे मेरी कढ़ी सबको बहुत पसंद आती है। इसलिए आप लोग भी प्लीज़ इसको देखिएगा। ये है हींग, ये है राई, ये है मेथी, ये लाल मिर्च, जीरा, कसूरी मेथी पकौड़े बनाने के लिए, नमक स्वाद अनुसार, अदरक लहसुन का पेस्ट, हल्दी, बेसन पकौड़े और कढ़ी बनाने के लिए, प्याज, ये छोटी प्याज मैंने काट रखी है, आप स्किप भी कर सकते हो अगर आप नहीं खाते हो तो। ये है सरसों का तेल, ये हम सरसों का तेल खाते हैं इसलिए हम सरसों के तेल में बना रहे हैं, आप जिसमें बनाना चाहें उसमें बना सकते हैं। ये है दही, दही है 3 कप। अब चलिए हम चलते हैं कढ़ी बनाने की तरफ। ये देखिए, अब हम बेसन लेंगे 1 चम्मच, 2 चम्मच और 3 चम्मच। इसको दही में अच्छे से फेंट लेंगे। अब इसका क्या करना है, हमें सिर्फ कढ़ी बनाना है, इसका ज़्यादा कुछ ज़रूरत साइड में रख देंगे, लास्ट में इसका काम है। अभी पहले पकोड़े बनेंगे और देखिए इसमें लम्स ना पड़े, खूब अच्छे से इसको ध्यान से इसको मिक्स कर दीजिएगा। और अब आप सोच रहे होंगे कि ये देखिए यहाँ पर दूध भी आ गया, हमारा दूध भी गर्म हो रहा है। इसमें सब काम करना पड़ता है लेडीज़ को ना, अभी लॉकडाउन का समय चल रहा है, इस समय बच्चे भी घर में तंग कर देते हैं बिल्कुल, आज ये या कल वो। आप लोग को जो अच्छा लगेगा आप लोग बता सकते हैं, मैं आपके लिए सब चीज़ डाल सकती हूँ मैं, बट आप लोग जो रेसिपी कहेंगे, आपको मोटिवेशनल कुछ बातें चाहिए हो तो मैं सब बता सकती हूँ, जो भी आपको चाहिए हो। आप प्लीज़ मेरा चैनल देखिएगा जरूर लास्ट तक, मेरे सीक्रेट रेसिपी है ये, सबको पसंद आती है मेरी कढ़ी, इसलिए आप भी ज़रूर देख करके पसंद करिएगा मेरी कढ़ी को। ये देखिए लम्स दिख रहे हैं ना, इसको 1 चम्मच से दबा दबा करके इसको मिक्स कर लीजिए। ये देखिए अब ये अच्छे से मिक्स हो चुका है, अब इसमें हम डाल देंगे हल्दी, अच्छे से मिक्स कर लीजिए हल्दी और नमक, मिक्स हो गया। अब इसको आप ऐसे अच्छे से मिक्स करके, ये देखिए मिक्स कर लिया हमने ये हल्दी और नमक, और दही में लम्स ना रहे ऐसा ट्राई करिएगा, बेसन और दही एकदम अच्छे से एक दूसरे से। और सोचिए कि अगर आपके पास बीटर वीटर हो या मिक्स करने वाला हो तो आप उससे मिक्स कर सकते हैं, हम स्पून से कर रहे हैं, आपको जैसे अच्छा लगेगा वैसे कर सकते हैं। अब इसको ढक करके किनारे रख दीजिए। चलिए अब लेते हैं एक कढ़ाई और गैस ऑन कर लेते हैं। गैस ऑन करके हमने इसमें डाल देते हैं सरसों का तेल, अब जितनी पकौड़ी हमें बनानी है उस हिसाब से तेल डाल देंगे। ये देखिए मैंने तेल डाल दिया, थोड़ा सा डाला है क्योंकि ज़्यादा तेल हम नहीं खाते हैं, तेल कम खाते हैं। अब ले लेते हैं बेसन, बेसन ले लिया पकौड़ी के लिए। और ये देखिए आपको अगर पसंद हो तो प्याज वाली पकौड़ी बनाइए या स्किप भी कर सकते हैं, आपको ज़रूरी नहीं है कि आप प्याज उसमें डालिए। थोड़ा सा कसूरी मेथी, थोड़ा सा हींग, पिंच 1 पिंच ऑफ हींग, और अब आपको थोड़ा सा इसमें ओनियन डाल, प्याज डाल देना है क्योंकि हम लोग को प्याज वाला पसंद है इसलिए हम प्याज डाल दे रहे हैं। थोड़ी सी हल्दी डाल देंगे कि मैंने हल्दी डाल दी। अब ये देखिए थोड़ा सा नमक, क्योंकि नमक कढ़ी में भी पड़ेगा ऐसे ज़्यादा नमक मत डालिएगा, ये नमक डाल दिया मैंने। अब लेते हैं पानी और इसको मिक्स करते हैं। ये देखिए ऐसे पहले थोड़ा थोड़ा पानी डालेंगे क्योंकि लम्स ना हो, क्योंकि पकौड़ी में अगर लम्स हो जाए। धीमे इस पर पानी मिला करके इसको मिक्स कर लेंगे। अब देखिए हमारा तेल गर्म हो गया, ऐसे गैस सिम पर कर लेंगे नहीं तो तेल जल जाएगा पूरा। अब ये देखिए धीमे 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 इसको मिक्स कर लेंगे। और अगर आपको लगता है बिगनर्स हैं, आपको कोई चीज़ नई चीज़ सीखना हो, नई चीज़ के बारे में जानकारी लेना हो तो बताइएगा, हम ज़रूर बताएंगे आपको। आपको जैसे जो चीज़ सीखना, जो क्वेश्चंस हो आप पूछ सकते हैं हमसे, जो भी आपके पास क्वेश्चंस हो आप लोग जानकारी लेना चाहें आप ले सकते हैं, सिलाई हो, कढ़ाई हो, बुनाई हो, आप जिस भी चीज़ के बारे में अगर आप पूछना चाहते हैं आप हमसे पूछ सकते हैं। खूब अच्छे से फेंट लीजिए, अगर आप बिगनर हैं तो इसमें थोड़ा सोडा डाल लीजिए, आपका फूल जाएगा अच्छे से, खूब अच्छा फूलेगा। आप खूब अच्छे से एक ही डायरेक्शन में खूब अच्छे से इसको मिक्स करते जाइए। ये देख रहे हैं आप हम कितने जल्दी जल्दी मिक्स कर रहे हैं, ये ऐसे मिक्स कर लेना है। ये देखिए कितना फ्लफी हो गया है ना, हो चुका है। अब आप इसको तलने के लिए, अब मुझे चम्मच चम्मच तो भाई अंग्रेजों वाला सिस्टम मुझे पसंद नहीं आता। अब लीजिए मैं हाथ से कर रही हूँ, मुझे हाथ से करना बहुत पसंद है, मुझे हाथ से सारे काम करना पसंद आता है,
ये देखिए मैंने हाथ से डाल दिया पकौड़िया। आप इसको छोटा छोटा बड़ा बड़ा आप अपने स्वाद अनुसार इच्छा अनुसार बना सकते हैं। ये देखिए पकौड़ियाँ तैयार हो रही हैं। ये देखिए कितनी सुंदर सुंदर छोटी छोटी, कितनी अच्छी लग रही है ना। वैसे आप लोग भी बनाइएगा, खाइए बना करके टेस्टी टेस्टी। ये लॉकडाउन में तो और अच्छी अच्छी चीज़ें अपने घर में बनाइए, सेफ रहिए, घर में रहिए, घर का खाना खाइए और प्लीज़ प्लीज़ बाहर मत निकलिए। जितना हो सके घर के अंदर रहिए, बच्चों को सेफ रखिए, अपने सेफ रहिए। ये देखिए ये हो गया पकौड़ी तैयार। ये हमारी पकौड़ियाँ तैयार हो रही हैं। ये देखिए उलटते पुलटते हुए इसको करिएगा, अभी थोड़ा दस एक बार ऐसे एक बार रहने दीजिए, फिर उलटिएगा पुलटिएगा। जब थोड़ा आपको लगे कि कलर चेंज हो रहा है या जालियाँ पड़ने लगी हैं तब। हाँ एक बात और, हम कड़ी पत्ता नहीं डाल रहे, कड़ी पत्ता भी पड़ता है इस समय, लेकिन हमारे पास है नहीं, ना सूखा हुआ है ना, अभी देखिए दुकान भी नहीं खुल रही है, कुछ भी नहीं मिल नहीं रहा, और इस समय हम ना अपने ससुराल जा पा रहे हैं ना अपने मायके, इसीलिए हम नहीं। और आपको अगर मेरे ससुराल मायके सबसे मिलना हो तो आप प्लीज़ बताइएगा, मैं आपको सबसे मिलवाऊँगी। मेरा फैमिली बहुत अच्छी है, सब लोग बहुत अच्छे हैं, मैं आपको सबसे मिलवाऊँगी। देखिए पकौड़ी हल्की हल्की होना तैयार हो गई है, मैं ये देखिए पलट रही हूँ, आप भी ऐसे ही करिएगा धीमे धीमे। ये देखिए अब हमारी पकौड़ी तल के तैयार हो गई है। अभी देखिए इसको इतने पर ही निकालना होता है कढ़ी में, क्योंकि ज़्यादा अगर आप लाल कर दोगे तो कढ़ी हो जाती है, इसीलिए आप गैस सिम कर लीजिए और सारी पकौड़ियों को निकाल लीजिए। इसको आप मन करे तो आपका टिश्यू पेपर पर निकाले, मन करे ऐसे निकाले। देखिए मैंने ऐसे निकाल दिया है और ये देखिए पकौड़ी निकल गई हैं। अब इसमें एक तेल ज़्यादा है, इसको तेल को कम कर लेंगे, क्योंकि तेल ज़्यादा हम तो खाते नहीं, इसे कम करके अभी आपसे मिलते हैं। अब देखिए तेल ये 2 चम्मच मैंने इसमें छोड़ दिया है। अब इसमें हम डाल देते हैं राई, थोड़ी राई बचा ले रहे हैं। ये देखिए मेथी तड़कने लगा है सब। अब ये देखिए जीरा, ये हो गए हमारी हींग, हींग थोड़ा सा पानी डाल लीजिए, पानी डाल करके इसको मिक्स करके तब डालिएगा। ये हो गया हमारा हींग। घबराइएगा नहीं, थोड़ा हट जाइएगा वहाँ पे। और ये हो गया हमारा हींग पक गया है। अभी जो हमने दही, इसमें आप कड़ी पत्ता डाल सकते हैं। देखिए मतलब कड़ी पत्ता तो मैंने आपसे पहले बता चुके हैं, आप इस समय कड़ी पत्ता डाल सकते हैं और लाल मिर्च डाल सकते हैं, जो आपको पता है मेरे बच्चे छोटे हैं ना, इसीलिए मैं कम मिर्च खाती हूँ, तो मिर्ची कम डाल रही हूँ। तो देखिए आप मैं डाल रही हूँ दही, दही और हल्दी नमक सब चीज़ का पेस्ट जो बना के रखा था बेसन का, वो ये देखिए डाल दिया मैंने। अब इसको हम हिलाते रहेंगे नहीं तो नीचे से पकड़ लेगा। और ये देखिए थोड़ा पानी और डाल दे रही हूँ, क्योंकि पकेगा तो ये गाढ़ा हो जाता है, गाढ़ा होने के बाद में फिर उसमें पकौड़ी वकौड़ी पड़ेगी और गाढ़ा हो जाए, इससे मैं अब ये ऐसे ही पका रही हूँ। ये देखिए ये हल्दी नमक बेसन और दही सब कुछ डाल करके इसको एक उबाला आने दीजिए। ये देखिए अब एक बॉईल आ गया है और इसको चलाते रहिए। अब इसमें थोड़ा सा हम डाल देंगे अपना कश्मीरी लाल मिर्च थोड़ा कलर आने के लिए। ये देखिए ये हो गया। और अब थोड़ा सा हमारा जो कसूरी मेथी था उसको डाल देंगे और ये हमारी पकौड़ियाँ ये डाल देंगे। सब पड़ गया, अब देखिए इसको चलाते हुए पका लेंगे। अब मेरी मम्मी का सीक्रेट है कि इसको 7 बार बॉईल करो तब कढ़ी का स्वाद आता है, तो आपको जैसा अच्छा लगे आप कर सकते हैं। मैं अपनी मम्मी के सीक्रेट से इसको 7 बार बॉईल ऊपर तक आता है, फिर बंद करती हूँ, फिर बॉईल आता है, फिर कम करती हूँ, ऐसे करके इसको बॉईल लाती हूँ।
और वाकई सच मानिए कि सचमुच कढ़ी का स्वाद बहुत अच्छा था, अगर वो अच्छे से पकी हो तो। तो ये देखिए कढ़ी गाढ़ी हो रही है और पक रही है। इसको चलाते रहिएगा, नहीं तो नीचे से पकड़ लेगी, इसलिए लगातार नहीं चलाना है, लेकिन थोड़ा थोड़ा देर में ज़रूर चलाते रहिए। ये देखिए हमारा दूध भी हो गया, हटा लिए क्योंकि कढ़ी है इसमें पड़ा है दही, दही की वजह से ख़राब हो सकता है दूध। ये देखिए ये सेकंड बॉईल आ गया, देखा ना आपने, ऐसे ही सात बॉईल लाना है। ये हो गया सेकंड, ऐसे सात बार लाएंगे। अब देखिए आप, मैंने आपको सीक्रेट बताया था ना अपना, कि मैं एक सीक्रेट करती हूँ। ये देखिए ये मेरी मम्मी की रेसिपी, देखिए मैंने ये छौंकने का ये चढ़ा दिया कलछी और ये गैस ऑन कर दिए, ये ऑन हो गया मेरी, ये हो गया मेरी कलछी गरम। अब ये देखिए कलछी गरम हो रही है और ये देखिए कितना अच्छा स्मेल आ रहा है कढ़ी का मेरे, वाह बहुत अच्छा स्मेल आ रहा है इसका। देखिए कढ़ी पक चुकी है, अभी इसमें तड़का डाल देंगे तो उसके बाद इसको बंद करेंगे। ये देखिए मेरा पैन हो गया गरम, अब मैं इसमें देसी घी डालती हूँ, आपको जो अच्छा लगे आप डालिएगा, मुझे देसी घी पसंद है और जो भी मेरे कढ़ी खाता है उसे बहुत पसंद आती है मेरी कढ़ी। ये देखिए अब इसमें डाल देंगे थोड़ा सा मेथी का दाना, जो बचा हुआ था मेथी का दाना ये देख सकते हैं आप, मैंने वही डाल दिया मेथी का दाना, थोड़ा सा तड़क जाएगा तो राई डाल देंगे, क्योंकि मेथी दाना को तड़कने में थोड़ा टाइम लगेगा इसलिए मेथी डाल दी है, थोड़ा तड़क जाएगा उसके बाद में। ये देखिए अब तड़कने लगा ना, अब राई डाल देते हैं, अब राई तड़कने लगेगा, जब थोड़ा सा तड़केगा तब ये देखिए जो बचा है हमारा सब सामान उसी में से हम डाल रहे हैं। ये देखिए जीरा, जीरा डाल देंगे अब, ये जो थोड़ा तड़क जाएगा तब देख रहे तड़कने की आवाज़ आप सुन रहे होंगे, आवाज़ आ रही ना आपको। अब हम इसमें जीरा डाल दिए, जीरा डालने के बाद में अपना अदरक लहसुन का पेस्ट डाल देंगे, बहुत अच्छी स्मेल आती है। और ये देखिए मैंने चार मिर्च ली है, ये आपसे बताना भूल गई थी, ये देखिए खड़ी लाल मिर्च है, ये डाल देंगे हम इसमें। देखिए अब ये थोड़ा देखिए ये आपका अदरक लहसुन का पेस्ट ये देखिए पकने लगा है ना, ये देखिए कलर चेंज होने लगा, अब इसमें आप प्याज डाल दीजिए, प्याज डाल दीजिए उसके बाद में इसको पकने दीजिए। ये देखिए मेरी कढ़ी पक गई है, वाह बहुत अच्छी स्मेल आ रही है, प्लीज़ आप लोग ट्राई करिएगा ज़रूर, ये मेरी मम्मी का सीक्रेट है सब, आज मैं आप लोगों से शेयर कर रही हूँ। ये देखिए इसको पका लेंगे, चलो ठीक, ये देखिए मेरा तड़का तैयार हो गया अच्छे से, बहुत ज़्यादा लाल मत करिएगा इसको, नहीं तो लाल कर देंगे तो फिर उसका स्वाद बिल्कुल बेकार हो जाएगा। ये देखिए थोड़ा सा गोल्डन हो गया है, इसको बंद करके इसमें अब थोड़ा सा अपना देगी मिर्च डाल देंगे, अपना तड़का लगाने जा रहे हैं। देखिए तड़का लग गया, देखिए मिक्स कर दिए, ये देखा आपने कितना सुंदर कलर आया है ना, इसको एक बार मेरे कहने से आप बना के जरूर देखिएगा, बहुत टेस्टी लगेगा ये खाने में। चलिए अब हम इसको सर्व करके दिखाते हैं। ये देखिए हमारी कढ़ी तैयार, देख रहे हैं आप कितनी सुंदर कितनी यमी लग रही है। और इसको आप कढ़ी चावल से, रोटी से, नान से, जिससे भी आपको पसंद है उससे आप खा सकते हैं। आप मेरे चैनल को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, शेयर करिए, आप लोग के मोटिवेशन से मैं और वीडियो आप लोग के लिए डालूँगी, आप लोग मुझे लाइक करते हैं मुझे अच्छा लगता है, कमेंट करिएगा बहुत अच्छा लगेगा, मैं सबको कोशिश करूँगी आपके सारे कमेंट्स का रिप्लाई करने का। थैंक यू।